आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ 7 लौंग जला देने से आपका रिश्ता कितना भी खराब हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। प्यार रूठा हो, नाराज हो, दूर चला गया हो, किसी और का हो गया हो, तुमसे खुद से कोई गलती हो गई हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें छोड़ा गया हो, कारण चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी बीच में आएगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। गौरी शंकरा आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करती है, प्यार भरती है, रिश्तों में मजबूती दिलाती है और लव विद एस्ट्रोलॉजी शादी के पहले शादी के बाद के हर संबंधों को मजबूत और बेहतरीन बनाती है। जहां पर रिश्तों की, संबंधों की, प्यार की, रिलेशनशिप की, शादीशुदा लाइफ की और आपके पारिवारिक लाइफ की बात हो, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी अव्वल दर्जे पर काम करती है। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार बार हर बार 21 लाख के आसपास लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और इस काम को अभी निरंतर जारी रखा गया है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को पूरा बल देने के लिए 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है। इस संसाधन को, इस व्यवस्था को पूरा बेहतरीन तरीके से चलाए रखने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार और रिसर्च निकालकर आपको बताया जाता है। हर बार एक नई गतिविधि, नई संसाधन, नए रिसर्च और नए संसाधनों पर बात होती है, चाहे वो कारण कोई भी हो। कभी कदार तुम्हारे प्रीवियस लाइफ की का दिक्कत होता है और कभी कदार तुम्हारी अपनी कार्मिक अकाउंट की वजह से दिक्कतें आती हैं। दिक्कत के कारण बहुत सारे हैं पर निवारण करने के लिए आज सिर्फ 7 लौंग जला देनी है। इस कोने में, इस जगह रख करके सिर्फ 7 लौंग ये बोलकर जला देना, उसके बाद तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी चीज आ रही होगी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी बाधा होगी वो पूरी तरह से नष्ट होगी। वो बाधा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, सामाजिक हो, भौलिक हो, भौगोलिक हो, कुछ भी हो, उसे पूरी तरह से नष्ट होना ही पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये सकारात्मक उपाय बहुत बड़ा वर्क करता है। ये तंत्र मंत्र यंत्र का समूचा एक रिसर्च किया हुआ उपाय है। इस उपाय से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये उपाय किया गया हो और बेनिफिट ना मिले। संख्या 7 है, अग्नि का आवाहन है और लौंग जैसी महाऔषधि है और 2 अक्षर का एक महामंत्र है जो पूरी तरह से सिद्ध है और पूरी तरह से उसमें एनर्जी, ऊर्जा, ताकत, पावर और गुरु की तपस्या है। इन सारी चीजों का संयोग जो होगा वो तुम्हारे संयोजन का कारण बनेगा। देखो, बहुत स्पष्टता से समझिए कि मैं बहुत समय से समझाता हूं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बहुत बेहतर चाहिए। देखो, इसको बड़ा गंभीरता से समझना। कार्मिक अकाउंट क्या होता है? कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है भगवान ने आपको 2 ऐसी चीजें दी हैं, हाथ, जिनको संस्कृत में कर बोलते हैं। इनके द्वारा किया हुआ कर्म, इनके द्वारा मतलब शरीर के द्वारा, अच्छा या बुरा, जब भी आप कोई अच्छा बुरा कर्म करते हो उसका आपको फल मिलता है ना। उपाय जब तक समझोगे नहीं, उसके पीछे की पूरी रिसर्च नहीं समझोगे, काम नहीं करेगा। जो लोग स्किप करके देखते हैं ना, उनका काम कभी भी नहीं होता। और मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं, ये स्किप करने वालों के लिए चैनल है ही नहीं। राम राम, मत देखना, हमारे पास वैसे ऐसे लोग हैं भी नहीं। खैर, तो
सही और स्पष्टता से समझो, कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा काम करता है। बहुत बार कहा है मैंने, इसके लिए स्पेशल अलग उपाय भी बनाए हैं, बिल्कुल अलग वीडियोस भी बनाए हैं कार्मिक अकाउंट पर। अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतकर्म शुभाशुभम्, शास्त्र कहता है, वेद भी कहता है। क्या कहता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम्, पंचम वेद कहता है। तुलसी बाबा भी वहां लिखते हैं रामायण में, क्या लिखते हैं? काया से जे पातक होई बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी शरीर से पाप होते हैं उसे कोई, अब देखो पाप करने में कुछ लोग अपने आप को बचाने के अलग अलग बात करते हैं, अनजान में हो गया, पता नहीं था, गलती से, और पता नहीं क्या क्या। आग को जान के छुओ तब भी तुम जलते हो, अनजान में छुओ तब भी जलते हो। करंट को, लाइट को, बिजली को जान के छुओ तब भी जलोगे, नहीं जान के चलो तब भी वो करंट मारता ही है। छत से कोई गिरा दे तब भी चोट लगेगा, तुम खुद गिर जाओ तब भी चोट लगेगा, है ना। इसी प्रकार से शुभ और अशुभ जो भी होता है, जान के या अनजान में, दोनों में बराबर पाप पुण्य मिलता है। गलती से नदी में गिर जाओ फिर भी स्नान का फल मिलेगा, तैरना जानते होगे तो बच गए, बचोगे नहीं तो फिर गलती का भी फल मिलेगा आपको। तो कहने का सीधा संबंध है कि जो भी तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है, अच्छा प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए कार्मिक अकाउंट कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है? जब तुम्हारे अपने निजी दोस्त बहुत क्लोज हो जाते हैं, समझ गए होगे इशारा, जब तुम्हारे अपने रिश्ते, अपने संबंधों में तुम बहुत अंतरंग हो जाते हो जाने अनजाने, और बहकते तो तुम खुद भी हो पर तुम ऐसा कहते हो कि गलती सामने वाले की सारी, हाँ गलत बात। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए। जब भी तुम कभी भी अपनी, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा काम है, हमें भगवान मानने वाले लोग भी जब भी हमारी बात होती है उनसे तो कभी कभार वो एक्सेप्टेंस के मामले में गड़बड़ा जाते हैं। एक्सेप्ट करने में उनको लगता है कि मतलब सब पता चल गया, अब कैसे कैसे फेस कैसे करें। तो भैया समझो तो, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। मैं क्या हूं? मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। आप हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हम आपसे अच्छी बातें करें, आप हमारे पास इसलिए आते हो ताकि हम आपका काम करें। तो उसमें डांट भी होगी, डपट भी होगी, तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा हो सकता है पर्सनल चीजों के बारे में समझना भी पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये सब बहुत बहुत नितांत है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हो, नजरिया बहुत बहुत मायने रखता है, आपकी, आपका नजरिया, आपका तरीका। जब बुरा कर्म करना होता है इंसान को या उससे होता होता है, उस समय साइकिल ढलान पर होती है, मानो ढनंग रहा होता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब उसी को सुधारने के लिए कुछ भी करना पड़े, इवन दिन बात भी करनी पड़े उस विषय पर, तो साइकिल चढ़ाई पर होती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, है ना। उस मेहनत के लिए तुम्हें तैयार तो रहना पड़ेगा, अगर तुम्हें ठीक करना है अपने आप को, तो इस बात के लिए तुम्हें प्रिपेयर तो रहना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा तुम्हारा। तुमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसमें तुम्हारी गलती थी तो भी, तुम्हारी गलती नहीं थी तो भी, फल तो उसका तुम भोग रहे हो, तभी तो तुम्हारा काम खराब है। कुछ पाप तो हुए हैं ऐसे जिस वजह से तुम्हारा काम खराब हुआ है, वरना तो काम खराब ही क्यों होता। उन सब चीजों को भी ठीक करना है, उन सब चीजों पर भी तुम्हें काम करना है। तुम्हें जब कहा जाता है रोना मत, तो तुम दिन में 3 बार रोते हो। तुम्हें कहा जाता है 21 दिन खराब होंगे, तुम 60 दिन एक ही दिन में खराब कर देते हो, और फिर बोलते हो उपाय काम नहीं करता। अरे उपाय बड़ा काम किया था, तुमने ही सब खराब कर दिया। एक उपाय करने में, कोई पता चला उपाय करने में बेचारा 21 दिन तक प्रयत्न कर रहा है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहा है आपके लिए 21 दिन तक, आपके लिए प्यार आपका, जीवन आपका, सिस्टम आपका, व्यवस्था आपकी मिलेगा आपको, मेहनत कोई और कर रहा है, और आपने अनायास रो करके सब बर्बाद कर दिया। हाँ, जब तुम एक बार रोते हो तो 21 दिन खराब होते भैया किसी की मेहनत के। हाँ,
फिर तुम बड़ा आसानी से कह दो कि मेरा काम नहीं हुआ, गलती तो तुम्हारी है ना। एक दिन में तीन तीन चार बार, कुछ तो ऐसे महापुरुष है कि दिन में दस दस बार महापुरुष के साथ महामहिलाएं भी हैं, महाकन्याएं भी हैं। एक दिन में बीस बीस पचास पचास बार भी रोने वाले लोग हैं। कृपया ऐसा नहीं करें, है ना। हर आधे घंटे में जब तुम्हें पानी पीने को कहा जाता है तो तुम क्या समझते हो उसे ये कोई मेडिकली ट्रीटमेंट है? अरे नहीं नहीं, तुम्हें वरुण देवता के सन्निकट भेजा जा रहा है और उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। झूठा करना है मुंह, तुम पानी चाहे जरा सा ही वो करो, मुंह में डाल करके एक सिप भी ले रहे हो तो भी काम चलेगा। तुम्हारी नीड पर डिपेंड करे, नीड ज्यादा है ज्यादा भी पी सकते हो, पर तुम्हें झूठा तो करना है हर आधे घंटे में अपने मुंह को, तुम नहीं कर रहे। तुम अपने आप को सुंदर नहीं बनाते, तुम पानी नहीं पीते, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, तुम अपने हंसने के कोई कारण नहीं निकालते, तुम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हो। तुम्हारे 20 25 साल 30 साल का जो अनुभव है तुम उसी में रहना चाहते हो, ठीक होगा कैसे? उसी अनुभव की वजह से तो सब खराब हुआ है। तुम्हारी अपनी नॉलेज, तुम्हारा अपना अनुभव, तुम्हारी अपनी प्रक्रिया, तुम्हारा अपना दिनचर्या, तुम्हारा अपना तरीका एज इट इज ही रखना था तो खराब होना ही है ना, उसी वजह से तो खराब हुआ है। उससे भिन्न हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ ये उपाय भी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, तुम हमारी बात मानोगे समझोगे तो भी ठीक हो जाएगा। प्यार पाना तपस्या है जी, प्यार पाना आईएएस होने से कम नहीं है, डॉक्टरेट की डिग्री लेने से भी कम नहीं है। प्यार को पा लेना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। लोग अपना जीवनांत कर देते हैं, जीवन से ज्यादा मूल्यवान थोड़ी ही कोई चीज दुनिया में, प्यार उसके भी आगे निकल जाता है। इतनी बहुमूल्य चीज को पाने में इतना कंजूसी, इतनी कमजोरी। हाँ, भगवान की तपस्या करने वाला अगर व्यक्ति इतनी तपस्या कर सकता है कि भगवान को आना ही पड़े, तो तुम्हारा प्यार भी तो तुम्हारे लिए भगवान ही है ना। तुम क्यों तपस्या नहीं करते? तुम क्यों कमजोर पड़ जाते हो? तुम क्यों टकमगा जाते हो? तुम क्यों व्यापारिक चिंतन करने लग जाते हो? खरीद बेच तो ये दिया वो लिया, ये हुआ वो हुआ, ये सब क्यों चिंतन है तुम्हारा? हाँ, प्यार निर्विशुद्ध होना चाहिए। सच्चा प्यार रखो, मैं आपके साथ हूं हर हाल में। इतने सारे लोगों का काम हुआ है, तुम्हारा कैसे नहीं होगा? संभव ही नहीं है। तुम्हारी दौड़ तो बस उतनी ही है कि तुम यहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हारी यात्रा खत्म। फिर तो हर हाल में तुम्हारी व्यवस्थाओं को मजबूत कर दिया जाएगा। सीधा उपाय एक और लेकर के चलता हूं मैं, कह रहा हूं भैया सात लौंग जला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना सा उपाय है ना। अनुभव एक लेते, आपके बीच से ही एक अनुभव उठाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, मैं शालमणि बॉम्बे से बात कर रही हूँ। कोटि कोटि प्रमाण। मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए इसके लिए, स्पेशली मेरे ये लव मैरिज सक्सेस होने के लिए, बट मुझे बहुत जनों ने फंसाया पैसे लेकर। सो मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी के पास आकर मुझे विद इन अ मंथ रिजल्ट मिल गया। मेरे बीए जो है वो शादी के लिए रेडी हो गए, हाँ, जबकि उनकी फैमिली अभी रेडी नहीं हुई है, बट मुझे पूरा 101% गुरुजी पर विश्वास है कि वो हो जाएगी। और गुरुजी के जितने भी वीडियोस हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको भेजती हूँ, और सब मुझे बोलते कि शालमणि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि गुरुजी पर ट्रस्ट रखिए। मैंने इनकी एक कलीग है, उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार ट्रस्ट रख के ये आप कर दो, और इनके स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रखिए, और मेरी फैमिली उनकी फैमिली जल्दी रेडी हो जाए यही आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, व्यवस्थित रहो, और ये श्रद्धा ये विश्वास है तुम्हारी, इसके चक्कर में तुम सब कुछ पा रहे हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो लौंग बहुत ताकतवर चीज है।
लौंग को बहुत ध्यान से समझना, बहुत स्पष्टता से, बड़ी गंभीरता से, बड़े तकनीक तरीके से इस काम को आज करिएगा। आज का जो उपाय है ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी बेहतर है। आज आपको दो बर्तन लेने होंगे, मिट्टी के ले सकते हो या किसी धातु के भी ले सकते हो। कांच का मत लेना क्योंकि आग वाग लगाने में कभी कभार कांच गर्म हो जाता है। एक बर्तन में आधा कच्चा दूध और आधा पानी भर करके रख दो और उसी के ऊपर दूसरा बर्तन रख करके उसमें खूब सारा कपूर डाल करके सारी की सारी ये जो सात लवंग है ना, वो एक का फूल इधर तो दूसरे का इधर, एक का इधर तो एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, ऐसे सीढ़ी बना करके सीधा कतार में रख दीजिएगा कपूर के ऊपर। और लास्ट में एक शब्द बता रहा हूं, उसको जला करके आग लगा दीजिएगा। ओम अंग हुंग नमः। अंग अंगार काय वाले से लिया है, हुंग हंकार से लिया है। जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करोगे आग लग जानी चाहिए, स्पष्टता से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय तुम किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में कर सकते हो। तो तुम्हें शुद्ध होना है ना, नहाना है ना, कुछ करना। अगर तुम नहाए धोए हो तो भी, नहीं हो तो भी, तुम अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति में तुम करके इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये विश्व का ऐसा उपाय है जो किसी भी धर्म संप्रदाय का इंसान कर सकता है, करके देखो। और हाँ, बची हुई चीजों को तब तक मत हटाना जब तक कोई हाथ पैर किसी का लग ना जाए इसमें, जब तक ये या तो जल करके कुछ घंटे ना हो जाए। ये ऐसी जगह जलाइएगा जहां जल्दी से कोई टोका टाकी ना करे। आपकी बालकनी हो सकती है, आपकी छत हो सकती है, कहीं भी ऐसी जगह कोने कतरे में आप करके कर सकते हो। इसको कम से कम 24 घंटे रखा रहने दीजिएगा, उसके बाद कहीं भी अच्छी जगह उसका उठा करके डाल सकते हैं। सब सामग्री को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, ये त्वरित लाभ करने वाला है। दुरुपयोग मत करना, इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, इसलिए इसको कीलित किया गया है गुरु मंत्र से। गुरु का आदेश लेना होगा। आप अगर गुरु आदेश से करते हैं तो आपका डेफिनेटली काम हो जाता है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, रोना, विलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और कदाचित बुरे विचार लाना गुरु के बारे में। कभी किसी भी प्रकार से मन में एक रंचमात्र संदेह आया तो काम होगा ही नहीं। तुम्हें हजारों लाखों प्रणाम नहीं दिखाई पड़ते, कदाचित कभी कोई एक मूर्ख फेक आईडी बनाकर कुछ लिख दे और तुम उसे देखने लग जाते हो। ये तुम्हारी निगेटिविटी ही तो है। गुरु की निंदा सुनहिं जे काना, गुरु की निंदा, गुरु की निंदा सुनहिं जे काना, होई पाप गौ घात समाना। ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार से प्यार की निंदा भी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहिं बिलोकत पातक भारी। अपने मित्रों को धोखा देना, अपने प्यार के साथ दगा करना, फरीब करना, इन सब लोगों को बहुत पाप पड़ता है और कभी लाइफ में खुशियां नहीं आती। इन सब चीजों से बचो, अपने आप को बेहतर रखो, अच्छी चीजें देखो। भगवान ने दो आंखें दी हैं अच्छी चीजें देखने के लिए, बुरी चीजों के लिए थोड़ी दी। खूब खुश रहना, खूब आनंदित रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ, भगवान शिव आपका सदा कल्याण करे। तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए सदैव निरंतर प्रयत्नशील है। 24 घंटे में 2 घंटे सो करके 22 घंटे तुम्हारे लिए प्रयत्नशील तामे तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।